हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए। आपके अपने ही चैनल रेखा गुज्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो किस किस के यहाँ बारिश हो रही है? मैं देख रही हूँ आज की बहुत वीडियो मैंने देखी तो बारिश हो रही थी उनमें, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबके यहाँ बारिश हो रही है और हमारे यहाँ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। तो हमारे यहाँ भी बारिश भेजो सभी। तो आज हम, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आप सभी से पुरानी कुछ यादें शेयर करूंगी जो गांव की है और जो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो क्या मिस करती हूँ मैं और हमेशा मिस करती हूँ? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, और मैं ही नहीं, मुझसे जुड़े हुए सभी लोग, मतलब जो उन्हें जानते हैं उन्हें सभी मिस करते होंगे, ऐसा नहीं मैं ही, सभी मिस करते होंगे। तो एक किस्सा बताऊंगी, मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं है, ब्लॉग तो खैर ब्लॉग की भी नहीं थी, ब्लॉग दो दिन से नहीं जा रहा था और नहीं जाता, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आप देख सकते हो गर्मी, हमारे यहाँ बारिश नहीं पड़ी है, बहुत कम, हल्की सी बारिश पड़ी थी, बिल्कुल हल्की सी। तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और पंखा मुझे बंद करना पड़ता है, पंखा तो इसलिए भी क्योंकि आवाज़ जाए। और ये देखो इधर से ना परछाई आती है एकदम से, लाइट इस साइड है और मैं बैठी इस साइड हूँ। तो किस्सा बताऊंगी एक, हाँ मैंने भूल गई, सॉरी, किस्सा बताना था मुझे आपको, शायद आपको भी अच्छा लगे, मैं भी याद करके, मतलब ताऊ जी अब नहीं है वो, लेकिन उनकी बातें और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, जब तक मैं रहूँगी जब तक तो बिल्कुल ही रहेंगे। और तो हमेशा याद आती है। एक बार हुआ क्या था कि पहले जो था ना, तो हमारी दादी वगैरह वो जो थी हंडिया में बनाती थी, मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता था उसमें दलिया बनाती थी, और रायहा होता है उसमें, मतलब उपले जो होते हैं ना वो लगाए और वो रख दिया और आराम से बनता रहता, तो वो बड़ा टेस्टी लगता था। तो ताऊ जी आए, ताऊ जी ने बोला कि ताई क्या बना रही है, मतलब हमारी मम्मी ताई, दादी जो ताई लगती थी, कि ताई आज क्या बना रही हो, क्या दलिया बना रही हो, कि हमें भी दे दीजिए एक कटोरा, कि ठीक है भैया तू ही ले जिया। तो उसके बाद है ना, ताऊ जी दादी कुछ देर बाद मतलब देखती है दलिया बन रहा था, तो दलिया है ही नहीं, मतलब दलिया ही नहीं है, बर्तन भी नहीं है दलिया का और दलिया भी नहीं है। और दादी बड़ी टेंशन में हो गई बेचारी, फिर ढूंढने लगी, सबसे पूछने लगी, हमसे भी पूछा, सबसे पूछा, मैंने कहा हमने तो नहीं देखा। और फिर ये भी था, इतना गर्म दलिया मतलब ऐसे कौन उठा के ले जाएगा, और क्यों ऐसे टेंशन में आ गए। थोड़ी देर बाद है ना, ताऊ जी आ गए कटोरा लेके कि ताई दे दे हमें दलिया। तो माँ कहने लगी भैया दलिया तो कोई उठा के लेगा, उन्हीं की भाषा में बोलूँगी, भैया दलिया तो कोई उठा के लेगा। तो फिर ताऊ जी कहने लगे ऐसे कौन लेगा, ताई ताई को ही आयो है, पता ना भाई तू ही आयो, अब ताई तू मेरे सिर लगा रही है कि न भैया तू कैसे ले जा सके, तू आते ही काहे घुमाऊंगा अगर तू लेके जाता तो। हाँ ताई ये बात तो ठीक है। उसके बाद में फिर बाद में बहुत ढूंढ मची, ताई जी सब परेशान रहे, जब मतलब खाने का जब टाइम था दलिया खाने का, वो रोटी वोटी जल्दी खा लेते थे, रात को दूध के साथ खाते थे दलिया, तो जब टाइम था तब ताऊ जी लेके आए कि ताई जी ताई लेते हैं ना तो दलिया ना दियो, हम लेके आए हैं दलिया अपने घर पे बनवा के। मम्मा ने गई ओ ते, मतलब जो उन्होंने उन्हें गाली दी, मतलब वो मैं नहीं बता सकती, उन्होंने गाली दी, और बहुत मतलब चलता है वो गांव में, वहाँ बहुत मतलब उस टाइम का हम हंस हंस के पागल हो गए इस चीज़ को, इसे याद, और मतलब मैं हमेशा याद कर रही हूँ वो चीज़, मैं हाँ हमेशा मिस करती हूँ दिल्ली में वो चीज़। तो मतलब बुरा भी मान जाए इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। और फिर उन्हीं के बेटे थे वो, हमारे दूध निकलवाने आते थे, मतलब भाई थे हमारे ताऊ जी के बेटे, वो डेली सुबह आते और हम उन्हें चाय दे देते गिलासी में। अब कुछ दिन बाद पता चला हमारी तो वो गिलसिया होती थी, गिलसिया बोलते थे उन्हें, स्टील वाली होती थी इतनी बड़ी बड़ी। तो कुछ दिन बाद पता चला वो बारे थी और हमारे घर में पूरी ख़त्म हो गई है। हम मम्मी बहुत, मम्मी कह रही कहाँ खो दी तुमने, मम्मी हमसे बोले जा रही तुमने खो दी वो खो दी, है हमने तो कहीं नहीं खोई, हमने तो कि तुमने किसे दे दी, मैंने कहा हमने तो किसी ये नहीं दी। फिर बाद में ना एक दिन हम भाभी के यहाँ चले गए, तो सामने लगी हुई थी वो धो के सामने रखी हुई थी, मैंने कहा ये तो हमारी गिलास ही है,
तो भाभी हंसने लगी। भाभी कह रही कि मैं इनसे रोज कह रही हूँ कि दियाओ दियाओ, देखे नहीं आए तुम्हारी गिलास ही। मैंने कहा यार तुम्हारे कैसे आई, कि जब तुम चाय देख रहे हो ना तो तुम्हारे भैया जेब में रख के ले आए। मतलब ये मजाक था, ऐसा नहीं था कि वो कोई मतलब लेके जा रहे हैं। ओ भाई हम हंस हंस के पागल हो गए, सच्चे में इतनी हंसी आई। मैंने कहा रोज हमारी एक गिलासिया जा रही थी और हमें पता नहीं है। हद, मतलब इतनी अच्छी अच्छी कॉमेडी होती है अगर मैं आपको बताऊँ ना। और जनरल बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब आम होती है ये चीजें, आम होती है हर रोज। और आप देखोगे कभी गांव के लोग डिप्रेशन ही होंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी सुना नहीं होगा गांव में कि ये बंदा डिप्रेशन में। और जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, शायद गांव में उससे भी ज्यादा फेस करते हैं वो लोग। लेकिन वो आपस में इसी तरह से है ना, कभी बंदा दुखी नहीं होने देते किसी को। ये छोटी छोटी चीजें बताई मैंने आपको, अगर थोड़ी थोड़ी जैसे याद आती रहेगी मैं जरूर बताऊंगी गांव के किस्से आपको और शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे अभी अच्छा लगता है, बहुत मिस करती हूँ, तो मुझे भी आपके साथ ये चीजें शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे फेस पे दाने हो गए हैं, गर्मी इतनी हो रही है, पसीने पूरे दिन पसीने पसीने, बहुत गर्मी हो रही है। तो आप सबको किस्सा कैसा लगा बताना जरूर, और मैंने बहुत जल्दी में बता दिया है। किसी दिन फुर्सत में और भी अच्छी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा ताऊ जी कॉमेडी करते थे, और अच्छी अच्छी बताऊंगी आप सबको, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी ताऊ जी की। ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो भैया गिलास ही लेके गए थे, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, उनका तो बेटा भी अभी छोटा है। तो भैया एक बार वीडियो में भी आए हैं मेरे में, शायद आपने, अब मैं ऐसे नहीं बता सकती कौन सी वीडियो थी, वो वीडियो थी मैं मायके गई थी तो विदाई दे रहे थे वो मुझे, तो वहां तक। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर लिया है वो लाइक कर देना और शेयर करना अगर पसंद आए वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते जी।